Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में आज दिन दहाड़े इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां विफाकी दल हुकूमत जो के सेफ सिटी कहलाता है, वहां दिन दहाड़े एक सीनियर सहाफी को नामालूम हमला आवरों ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। इस्लामाबाद विफाकी दल हुकूमत जो कि सेफ सिटी कहलाता है, जहां पर 2500 के करीब कैमरे जगह जगह पर नस्ब हैं, वहां पर आज एक अनहोना, लेकिन शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना अनहोना वाकया ना हो, क्योंकि अपनी नौयत का ये कोई पहला वाकया नहीं था। लेकिन इस्लामाबाद जैसे शहर में, इस्लामाबाद के एन वस्त में, जीरो पॉइंट में इस किस्म का वाकया होना कि मुल्क के एक बड़े अशाती इदारे द न्यूज, उसके एक सीनियर रिपोर्टर, सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर अहमद नूरानी, उन पर हमला किया गया नामालूम अफराद की तरफ से। तीन अफराद एक मोटरबाइक पे सवार आए और बाद में तीन दीगर अफराद ने उनको ज्वाइन किया। ना सिर्फ इंटरसेप्ट किया गया अहमद दुरानी साहब की गाड़ी को, बल्कि उन्हें गाड़ी से उतार के उन पे शदीद तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में अहमद दुरानी साहब शदीद जख्मी हो गए। इस वक्त भी वो अस्पताल में जेर इलाज हैं। खुदा का शुक्र है कि उनकी जान बची है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि हमला आवर कौन थे, कहां से आए थे, कहां को फरार हो गए, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद जैसे सेफ सिटी में 2500 के करीब कैमरे नस्ब हैं। विफाकी वज़ीरे दाखला एहसन इकबाल साहब, जिन्हें कुछ अरसा पहले जबकि वो एहतसाब अदालत जाना चाहते थे, वहां पर भी उन्हें रेंजर्स ने रोक लिया था, उन्होंने अपनी रिट को इस बात को चैलेंज समझा था कि उन्हें रोका क्यों गया उनके मातहत इदारे की तरफ से। तब भी उन्होंने कहा था कि अगर वो ये मामलात हल ना कर सके तो वो रिजाइन कर देंगे। आज उनकी तरफ से, उनकी जमात की तरफ से, उनकी जमात के तमाम बड़े बड़े वजीरों की तरफ से, विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से भी बड़े बड़े बयान जारी हुए हैं मजम्मती, जो कि हमेशा होते आए हैं। पाकिस्तान में हम गुज़श्ता 15 साल पे अगर नजर दौड़ाएं तो जो 115 या 120 सहाफी कत्ल हुए हैं, या इस अरसे में जितनों को धमकियां मिली हैं, या जितनों को अपनी फैमिलीज को धमकियां बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, हर वाकये के बाद हमें यही एक पैटर्न देखने को मिलता है कि उस वक्त की जो हुकूमत होती है वो इसकी शदीद मजम्मत करती है, कहती है कि इस किस्म के वाकयात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, कमेटियां बना दी जाती हैं, कमीशन्स बना दिए जाते हैं, रिपोर्टें आती हैं, रिपोर्टें सामने नहीं आती, और यही वजह है कि एक इम्प्यूनिटी है जर्नलिस्ट को थ्रेट्स के बारे में, जर्नलिस्ट के जख्मी होने के बारे में, उनकी यहां तक के शहादतों के हवाले से। देखिए पीछे कौन है, पकड़े नहीं जाते। अहमद रानी साहब पर भी जो वाकया हुआ है, अब तक पता नहीं चल सका कि वो हमला आवर छे कौन थे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की जो 2016 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, 2016 की, पिछले साल की, उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में सहाफियों के लिए जो खतरनाक तरीन ममालिक है उसमें चौथे नंबर पे है, और जो पहले तीन नंबर पे ममालिक है वो भी सुन लीजिए, इराक है, फिलिपाइन है और मेक्सिको है, इनके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF, उसका जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान बॉटम के ममालिक में शामिल है कि जहां पर प्रेस फ्रीडम है। और ये 2017 की रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट है। ये सिचुएशन है पाकिस्तान में। अहमद दुरानी साहब, उनकी फैमिली से हमें तमाम तर हमदर्दी है, उनके इदारे से हम इजहार अफसोस भी करते हैं, उनकी फैमिली से भी करते हैं, शुक्र भी अदा करते हैं कि उनकी जान बच गई, उनकी सेहत के लिए भी दुआगो हैं। लेकिन इसके साथ साथ विफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि मुल्क भर में जहां जहां पर भी सहाफी हैं वो एहतजाज करने निकले भी हैं, हुकूमत ने यकीन दहानी भी करवाई है कि वो इस वाकये के जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें कैफले किरदार तक पहुंचाएगी, लेकिन आखिर ऐसा वाकया हुआ क्यों, इसके पीछे कौन है? जब तक के मुकम्मल तफ्तीश सामने नहीं आ जाती, कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन अगैन कि पाकिस्तान में इस किस्म का, अपने नौयत का ये पहला वाकया नहीं है। आखिर ऐसे वाकयात रुकते क्यों नहीं, खास तौर पे बलूचिस्तान में अभी दो दिन पहले ही अखबारात की सर्कुलेशन बंद हो गई
क्योंकि वहां की जो दहशतगर्द तंजीमें थीं उन्होंने अपनी नौयत के थ्रेट्स वहां के जर्नलिस्ट, वहां के हॉकर्स, अखबार तकसीम करने वाले उनको देना शुरू कर दिए। इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ आज सीनियर सहाफी मौजूद होंगे, लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी और दानिश्वर सज्जाद मीर साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन है सीनियर सहाफी हैं आसमा शिराजी साहिबा, और इस्लामाबाद से ही मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं जी? हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। सज्जाद मीर साहब, ये क्या हो रहा है? कोई पहला वाकया नहीं है ये अपनी नौयत का, लेकिन ऐसा वाकया रुकते क्यों नहीं? हम हुकूमत का भी वही पैटर्न देखते हैं कि मजम्मत करती है, बल्कि उससे पहले जो लोग इनके पीछे होते हैं उनका पैटर्न भी हम वही देखते हैं, हुकूमतों का पैटर्न भी हम वही देखते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है सहाफियों के साथ? असल बात यह है ना कि पाकिस्तान चूंकि दहशतगर्दी की जद में था तो बहुत से मसाइल तो पैदा होते थे, नेचुरल थे, लेकिन ये वाकई अगर फाटा में हो रहे होते हैं, बलूचिस्तान में हो रहे होते हैं तो हम इनको गिनते हैं, लेकिन तीन शहर जो हमारे कराची, इस्लामाबाद और लाहौर थे, ये मरकज है हमारे प्रेस का। इसमें कराची जो था वो बिल्कुल ऐसी जद में था, वहां वाकयात हो भी सकते थे, किसी वक्त भी हो सकता। हामिद मीर के साथ वही वाकया हुआ ना, और उस पर आप बहुत सी बातें शकूक जाहिर कर सकते हैं, कौन हो सकता है, कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, लेकिन इस्लामाबाद जैसे शहर में, हालांकि वहां भी कुछ दो चार वाकये ऐसे हुए जो तशवीशनाक हैं, सलीम शहजाद का था और बहुत से थे, बहुत से तजिए होते हैं, बहुत सी बातें की जाती हैं, बहुत से इदारों की तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं, बहुत से ग्रोहों की तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन ये तो अजीबोगरीब वाक्य है। 0.1 बिल्कुल इस्लामाबाद का वो इस्लामाबाद है, यानी कि अब तो इस्लामाबाद का एन वस्त है, अब तो वो 0.1 वो है जो दायरे के मरकज में होता है। बिल्कुल वो दिन गए जबकि वो आगाज था, अब तो मरकज है, और वहां उनका यानी कि जब ट्रैफिक का रुकना, वहां आके उसको निकालना, वहां बैठ के चार पांच छह लोगों की कार्रवाई करना और वहां से फरार भी हो जाना और इसको इस हद तक जख्मी करना कि ये देखिए सर पर इंजरी जो है, छुरियों से और सलाखों से मारा जाना, मारना और सर पर इंजरी, और सबसे अहम बात जो जो उस वक्त एनी शाहिद जो कि वहां पे गवाहान मौजूद होते हैं देखने वाले, वो कहते हैं कि पुलिस वहां पर मौजूद थी। ठीक है, ठीक है, और वहां से पुलिस को होना चाहिए सब लोगों, लेकिन पुलिस के होते हुए भी ये वाकया हो गया। ठीक बात, और कैमरे जो थे वो भी पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कैमरों ने जितना हिस्सा रिकॉर्ड किया है वो तो सिर्फ उसको निकाल उसका है, वो लोग क्या है वो पहचाने नहीं गए। कम से कम कैमरों की फुटेज तो सामने आ जानी चाहिए थी। आसमा शराइफ साहब ने ज्वाइन कर लिया जी हमें, ठीक है, और हामिद मीर साहब, ठीक है, हामिद मीर साहब का भी हम वेट कर रहे हैं, और आसमा जी देखे ना, हामिद मीर तो इस वाकये से गुजर चुके हैं, कराची में जिस तरह का वाकया उनके साथ हुआ वो तो गैर मामूली था और जख्मी भी वो गैर मामूली तौर पर हुए, लेकिन उस पर भी कमीशन बना सज्जाद मीर साहब, कुछ कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता। देखिए ना, जो वाकयात भी होते हैं, मैं यही कहता हूं कि फाटा का इलाका हो, बलूचिस्तान का इलाका हो, और इवन कराची के इलाके होते थे एक जमाने में जिसके बारे में हमें कहते थे कि बड़े मुश्किल हालात है वहां, हम गोया हालत जंग में है, यहां जिन लोगों की जिंदगियों को खतरा है वो गोया मैदान जंग में एक तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में आमतौर पर यही तासुर है कि वो एक महफूज इलाका है, और अब बहुत सी बातें की जाएंगी, बहुत से लोग अपनी बातें बनाएंगे, बहुत से इदारों का नाम आएगा, बहुत से गुरुओं की तरफ उंगलियां उठाई जाएंगी, लेकिन ये मसले का हल तो नहीं है ना जी। बिल्कुल सही बात, और अगर वो शख्स अच्छा वो कोई मामूली रिपोर्टर भी, शकूक व शुभात भी मुनासिब नहीं है मुल्क में जमहूरी तसलसल के लिए। आपको याद है सबीन महमूद का जब कत्ल हुआ तो इस तरह से कुछ इदारों पर उंगलियां उठाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या निकला? आसमा शराजी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आसमा शराजी साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं आसमा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आसमा जी, इस्लामाबाद जैसे सेफ सिटी में आप इस्लामाबाद में बैठी हैं इस वक्त, आज का जो वाकया हुआ है तो किसी भी इस्लामाबाद में सहाफी को, किसी भी शहरी को ये महसूस तो नहीं हो रहा होगा कि वो सेफ सिटी में मौजूद है जो अहमद दुरानी साहब का आज वाकया हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही है गरीदा, और मेरा ख्याल है कि आज भी इस्लामाबाद में लोग इससे पहले भी और अभी भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं जैसे पता नहीं बलूचिस्तान के किसी दूरदराज इलाके में जहां प्रेस क्लब को ताले लगा दिए गए और सहाफी को कह दिया गया कि आप अपनी दुकान बंद कर लें और वो छोड़ के वहां से चले जाएं। आज इस्लामाबाद में भी ऐसे ही है। इस वाकये से कुछ दिन पहले, चार पाँच दिन पहले मेरी खुद अहमद नूरानी से बात हुई, क्योंकि आई वॉज कंसर्न के जो उनके साथ हो रहा था और उनको ट्विटर उनका डीएक्टिव हो गया था
रहा, व्हाट्सएप से वो गायब हो गए, तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि उनकी खैरियत और दरियाफ्त करूं। तो अहमद ने मुझे बहुत साफ लफ्जों ने में कहा कि मैं ये चाहता हूं मैं केयरफुल हो जाऊं और मैं शायद इसलिए मैंने खुद को डीएक्टिवेट किया है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मुझे मेरे इदारे को या मुझे कोई प्रॉब्लम हो। बड़े ढके छुपे मोहतात लफ्जों में उसने बहुत सी बातें कही। मसला ये है कि क्या अहमद नूरानी को इस एहतियात ने, यानी जो जुबान बंदी उसने उससे उसकी करवा दी गई थी, क्या वो उससे महफूज रहा? नहीं महफूज रहा, महफूज रहा। उसको फिर भी मारा गया, उसको दिन दिहाड़े मारा गया, उसको घेर के मारा गया, पुलिस के सामने, शहरियों के सामने मारा गया। ये पाकिस्तान का अलमिया है, खास करके उन इदारों का जो कि जिनके ऊपर उंगलियां उठती हैं, खास करके उनको तो ज्यादा आज एक्टिव होना चाहिए कि वो ढूंढ के उन लोगों को लगा निकालें जो मुलव्वज़ है इसके अंदर, ताकि पता चले कि इसके पीछे है कौन। लेकिन ये जो अंधेर नगरी है ये अब बंद होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबा कि अगर किया है कि अगर उनके इदारे के एक बंदे पर हमला हुआ है, तो मैं चाह रही हूँ कि हामिद मीर साहब से, मीर साहब से भी हम राब्ता करेंगे। लेकिन आसमा जी, एक तो वफाकी वज़ीर दाखला की नाक के नीचे उनके अपने शहर में यह वाकया हो जाना, उन्होंने कुछ अर्सा पहले जो उनके साथ वाकया पेश आया था, उन्होंने कहा था कि जी मेरी अगर रिट नहीं है तो मैं रिजाइन कर दूंगा, तो आज ये वाकया हो जाना, इस पे तो वफाकी वज़ीर दाखला को रिजाइन कर देना चाहिए, बजाय इसके कि वो ट्वीट्स करें कि जी सोसाइटी में इस तरह के वाकयात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सेकेंडली, दर्जन भर एजेंसी इस एक शहर में बैठी हुई है, वफाकी हुकूमत इस एक शहर में बैठी हुई है, वफाकी वज़ीर दाखला के अंडर आता ये शहर, ऐसे में एक सहाफी पे इस तरह का हमला हो जाना, ये क्या डिपिक्ट करता है? देखिए, ये तो लॉलेसनेस है। रियासत को अगर आप कहना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है, तो पाकिस्तान की जो आईज एंड ईयर्स हैं, जो लोगों को पाकिस्तान दिखाते हैं, बताते हैं, जब आप उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क भी नहीं है और वहां पे अमनो अमान के एक, जिसे कहते हैं ना, कॉस्मेटिक किस्म की जो अरेंजमेंट है वो हुई हुई है। ये साफ होना चाहिए कि हम इस वक्त, आप पोलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रही है, कौन सी पोलिटिकल गवर्नमेंट है जी, मुझे बताइए। ये सियासी हुकूमत है जिसकी वजह से आज ये हालात हो गए कि पाकिस्तान के अंदर आजादी सहाफत और आजादी राय कोई हैसियत नहीं रखता। सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉगर्स का आपको वाकया याद है, और ये बिल किसने पास किया था साइबर क्राइम का? आज अनोशा रहमान साहिबा को पूछिए, आप बुला के लाइन हाजिर कीजिए उनको। ये तलाल चौधरी साहब सारा दिन टीवी से हटते नहीं है, इनको बुलाइए आप। एहसन इकबाल साहब से पूछिए कि आपने इस मुल्क के साथ किया क्या है, और उसके साथ साथ उन एजेंसियों से भी पूछिए जिनका नाम आ रहा है कि कब तक आप लोगों को मारते रहेंगे और लोगों के उसके सर पे क्यों चोट मारी है, ताकि वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाए। ऐसा नहीं है, बात की आपने, ये मजाक नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, इससे ज्यादा ये कोई सामने नहीं आई। लेकिन आसमा जी, मैंने वही बात की थी अभी सज्जाद मीर साहब से भी कि सबीन महमूद का जब वाकया हुआ था, इसी तरह कुछ इदारों पे उंगलियां उठाई गई थी, जो कि बाद में कुछ और निकला था। तो ये मतलब पूरे जमहूरी इदारों की साख के लिए बहुत नुकसानदेह, और खासतौर पे सज्जाद मीर साहब, जबकि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आने वाली है और हम उनको भी टिपिक कर रहे हैं लाहौर में कि पाकिस्तान बहुत सेफ मुल्क है, इंटरनेशनल इमेज, जो कि आसमा जी ने बात की। लेकिन लाहौर से करीब इस्लामाबाद 3-4 घंटे की ड्राइव, वहां पे इस तरह का वाकया हो जाना, क्या ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी इमेज नहीं जाएगा पाकिस्तान का? यकीन कॉन्ट्राडिक्टरी इमेज जाता है जी, कि एक जमाना था कि कराची में तासर होता था कि जो भी वाकया होता था तो फौरन कहा जाता था एजेंसियों ने कराया, और बहुत से लोग कहते थे क्या कह रहे हैं आप, मुझे यकीन ही आता था लोगों को कि हर वो वाकया जो आपस की लड़ाई का भी होता था वो एजेंसियों के नाम पे लगा दिया जाता था। यानी कराची की सूरत ऐसी बन गई थी। लेकिन अब इस्लामाबाद में जो वाकयात होते हैं, वाकया हुआ है उसमें उंगलियां उठ रही हैं, और ये मेरा ख्याल में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एहसन इकबाल का तो मसला है, लेकिन एजेंसियों की भी साख का मसला है कि वो उस मुजरम को, उन लोगों को जिन्होंने ये वाकया किया है, उनको पकड़ें। वरना एक रिवाज पड़ जाता है, जैसे मैंने कहा कराची में रिवाज पड़ गया था कि चाहे एक दूसरे को मारते हो, नाम लगा देते थे, वो किसी एजेंसी का इशारा कर देते थे किसी एजेंसी की तरफ। तो अब अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में इस तरह का कोई वाकया हुआ है, तो ये साख का इम्तहान सिर्फ हमारी वजारत दाखिला का नहीं है, हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हमारे एक सिस्टम में जो होता है कि इल्जाम हुकूमत में लाओ तो वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम दे देती है, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाए तो वो हुकूमत की तरफ इशारा हो जाता है, सूबाई हुकूमत सिंध वाले को इतराज होता है तो वो फाक पे करती है, और असल मकसद इशारा किसी और की तरफ करना होता है। इशारेबाजी से काम नहीं चलेगा, और इस्लामाबाद जैसे जो हमारा इशारेबाजी से काम नहीं चलेगा। मुझे चूंकि सेगमेंट क्लोज भी करना है, आसमा शियाज़ी जी आप क्या कहती हैं कि अब किस तरह से काम होगा? ये मामलात कहीं तो जाके रुकने चाहिए। अगर 2017 में भी हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज नॉट सेफेस्ट कंट्री फॉर जर्नलिस्ट, तो फिर आगे कैसे बढ़ जाएगा?
नहीं रुकेंगे, इसलिए कि जब तक नामालूम को हम मालूम करके सामने नहीं लेके आएंगे ना, ये वाकयात नहीं रुकेंगे। हम नहीं नाम ले सकते बहुत से लोगों का, हमें पता है इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर ही, पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के सहाफियों से बात कीजिए, कहां कहां से थ्रेट्स नहीं आ रही है हमारे ऊपर, तो हर तरफ से दबाव है। लेकिन जो रियासत का फर्ज है वो रियासत को अदा करना चाहिए। अगर अगर कोई एजेंसियों को शिकायत है, अगर किसी इदारे को शिकायत है, तो उसके फोरम्स हैं, आप उस पर बात कर सकते हैं। ये क्या मामला, किस मुल्क में, किस दुनिया में आप रह रहे हैं कि चौक चौराहे पे खड़े होकर आप किसी को गोली मार दें और किसी के सर के ऊपर आप वार कर दें ताकि वो हमेशा के लिए मफलूज हो जाए या वो सोचने समझने की सलाहियत से मफलूज हो जाए। ये नहीं चलेगा। जो नामालूम है हमें उसको बताना पड़ेगा, वो मालूम करने पड़ेंगे, वो मालूम है, हमें जरूरत करनी पड़ेगी कि हम बताएं कि ये लोग हैं। सलीम शहजाद को किसने मारा था, आज तक उस कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई। हामिद मीर पे अटैक किसने किया था, आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्यों सामने रिपोर्टें नहीं आती, कौन है जो कि उन रिपोर्टों को रोक लेते हैं? यहाँ पे क्या क्या कुछ मंजरे आम पे आ चुका है और क्या क्या कुछ आने को बेताब रहता है जो नहीं होता वो भी टीवी स्क्रीनों पर नजर आता है। साहब हमारे तो आज प्रोग्राम में थे भी, लेकिन शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं उनसे पूछना चाह रही थी, पता नहीं डीएसएनजी उनके पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कोई सिग्नल का प्रॉब्लम है। मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि जी उन पर तो कमीशन बना था, वो कमीशन कहां गया? बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मीर साहब खुद भी नहीं बता सकते। लेकिन बहरहाल आसमा जी बहुत शुक्रिया, सजाद मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, खासतौर पर मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जिसमें भारतीय सल्लूक को 70 साल आज मुकम्मल हो गए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर पे, भारतीय सल्लूक के आज 70 साल मुकम्मल हो गए। साल पहले 27 अक्टूबर 1947 को, और उस दिन भी जुमे का ही दिन था, और आज 70 साल मुकम्मल होने पे भी जुमे का ही दिन है कि कश्मीर जन्नत नसीर में भारतीय आर्मी दनदनाते हुए दाखिल हुई और अपनी बर्बरियत, अपनी जारहियत और अपने तसल्लुत के जोर पे इस जन्नत नजीर पे कब्जा कर लिया। तब से लेके अब तक 5 लाख के करीब भारतीय फौजी जो हैं वो इस मकबूजा वादी में तैनात रहते हैं मुसलसल, इनमें कमी बेशी होती रहती है और हमेशा जो है इसमें ज्यादती ही हुई है, इस भारतीय फौज की नफरी में कभी कमी नहीं हुई। और इन 70 सालों के दौरान 70,000 से जायद कश्मीरी शहीद कर हैं। इसके अलावा जिन कश्मीरी घरानों को तबाहो बर्बाद कर दिया गया है, जिन खवातीन की इस्मत दरी की गई है, जिन बच्चों को जख्मी किया गया है, जिन बूढ़ों को, दीगर अफराद को माजूर कर दिया गया है जिंदगी भर के लिए, और इस तरह की बर्बरियत की एक दास्तानें हैं, वो एक लामतनाही सिलसिला है, एक लामहदूद सिलसिला है। लेकिन आज 70 साल मुकम्मल हुए हैं, तो ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि आजाद कश्मीर में और कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में आज कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए और भारतीय बर्बरियत और भारतीय खासिबाना तसल्लुत के खिलाफ जगह जगह पर एहतजाज हुआ। मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल रही, मुकम्मल शटडाउन रहा, रैलियां निकाली गई, कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली गई। और अहम बात यह हुई कि अफगानिस्तान में भी पहली बार जलालाबाद में कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए वहां पर है अफगान यूथ फोरम, उन्होंने आज एक रैली निकाली जहां पर कश्मीरियों के हक में और भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, बैनर्स थे, प्लैकार्ड्स थे और एक भरपूर किस्म की वो अफगानिस्तान जलालाबाद में रैली थी। और अहम बात यह है कि इसमें अफगान शहरी ही शामिल थे। इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के साथ वहां पर भी भारत की खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं, और आज DGISPR ने भी ट्वीट किया है लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस के हवाले से भी और कश्मीर में भारतीय खासिबाना तसल्लुत के हवाले से भी कि जो कश्मीर की मकामी जुद्दोजहदादी है उसे भारत अपनी बर्बरियत, अपनी जारहियत से
कतन दबा नहीं सकता। इसके अलावा जो एक आज डेवलपमेंट अहम हुई वो ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान आर्मी ने भारत का एक जासूस ड्रोन तैयारा उसको जो है मार गिराया और उसकी तस्वीरें भी जारी की गई। तो आज जबकि कश्मीर जन्नत नसीर मकबूजा वादी पे भारत के हासिबाना तसल्लुत को 70 साल मुकम्मल हो गए हैं, हुर्रियत रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया गया है, उनकी फैमिलीज को ना तो उनसे मिलने दिया जा रहा है ना उनसे बात करने दी जा रही है। इसी हवाले से हमने बात करने की कोशिश भी की सैयद अली गिलानी साहब से, राबता करने की कोशिश की मीरवाइज उमर फारूक साहब से, यासीन मलिक साहब से। इन तमाम को घरों में नजरबंद कर दिया गया है, ना तो इनकी फैमिली से ना ही किसी और से बात करने दी जा रही है। यासीन मलिक साहब जो कि सीनियर हुर्रियत रहनुमा है, उनकी अहलिया मशाल मलिक साहिबा इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मशाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। एक बड़ा दिन है आज, कश्मीर पे भारत के खासिबाना तसल्लुत को 70 साल आज मुकम्मल हुए हैं, दुनिया भर में हाईलाइट हो रहा है। आपके शोहर साहब भी वो इसको हाईलाइट करते हैं, उनकी भी अपनी एफर्ट्स हैं, आपकी भी खुद बसाते खुद बहुत एफर्ट्स हैं। क्या कहना चाहेंगी आप आज ये 70 साल जो मुकम्मल हो रहे हैं आज भारत के खासिबाना तसल्लुत को? 70 साल हो गए हैं और ये ब्लैक बेस हमारी जिंदगियों में, आप देखें जब से हिंदुस्तान का ये जबरन कब्जा हुआ है, जो एक्सेशन की फौज डॉक्यूमेंट की जिसके थ्रू महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के हवाले कर दिया और वहाँ की फौज यहाँ पर आ गई, तब से लेकर अब तक कि हर रोज ही एक मातम होता है, हर रोज शहादतें हैं और हर रोज ही गमों के पहाड़ उठते हैं हम सबके ऊपर, जितने इतनी एट्रोसिटीज हैं, इतना गम है कि इसी में ही हमारे दिन और रात गुजरते हैं और एक के बाद दूसरी जनरेशन पैदा होती है, बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है और वो भी यही फेस कर रही है, बल्कि बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ, जुल्म बढ़ता जा रहा है, बर्दाश्त भी नहीं अब होता है किस लेवल का टॉर्चर, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिक, हर तरह का आप देख लें, यू नेम इट एंड दे आर डूइंग दैट, इट्स अ लिविंग हेल नाउ फॉर अस। और ये बस ये दिन क्योंकि सिंबॉलिक है, वन ऑफ द डार्केस्ट पेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल, मगर अगर आप पास्ट हमारा देखें, सिखों से भी कश्मीरियों कभी हारे नहीं, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स से भी नहीं हम कभी हार मानी, तो इंडिया से हमने क्या हार मानी है, अगर कॉस्ट हम बहुत भारी उसकी पे कर रहे हैं। मशाल साहिबा, हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, उन्होंने भी बयान जारी किया है और ऐसे मौकों पर हमेशा बयान जारी होते तो रहते ही हैं, लेकिन वक्तन फवक्तन भी कश्मीरियों के साथ उनकी सिफारती और अखलाकी हमायत का जो है उसका इआदा किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो सिफारती और अखलाकी सतह पर किया जा रहा है कश्मीर कॉज को उजागर करने के लिए, क्या वो काफी है या इसमें कहीं कुछ कमी रह रही है, कहीं कोई खामी रह रही है, उसे ठीक करने की जरूरत है? जो पाकिस्तान का बयानिया है, जो कश्मीर का असल बयानिया है, उसे मजीद बेहतर तरीके से दुनिया के सामने रखने की जरूरत है? देखिए, इन प्रिंसिपल तो बिल्कुल ठीक है, मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान सपोर्ट द कश्मीर कॉज, मगर जिस शिद्दत से हिंदुस्तान वहां पे एट्रोसिटीज कर रहा है, मार रहा है, जो वेपन यूज किए जा रहे हैं, वॉर फुटिंग के ऊपर डिप्लोमेसी की जरूरत है पाकिस्तान की तरफ से। पूरा साल डेलीगेशन जानी चाहिए वर्ल्ड कैपिटल्स के अंदर, नॉक करें वर्ल्ड कैपिटल्स के डोर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, अब तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का भी पाकिस्तान मेंबर है, उसको भी एक्टिवेट कराए अपना, वहां पे भी आवाज और भी ज्यादा वाइब्रेंट और वोकल तरीके में अपनी आवाज सामने आए। इट शुड नॉट जस्ट बी ऑन सर्टन डेज, जबकि जब पाकिस्तान ज्यादा एग्रेसिव है, वो चाहे पाकिस्तान में कोई भी इंटरनल डिस्प्यूट चल रहे हो, लोकल पॉलिटिक्स में कोई भी बात हो, अगर कश्मीर मस्ट बी अ कॉन्स्टेंट स्टेट पॉलिसी जिसपे कोई भी एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए कि उसको अटेंशन उससे इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी किया या पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी के आप समझ लें जो फंडामेंटल्स हैं, उसके अंदर सबसे ऊपर कश्मीर है। कश्मीर इज नॉट जस्ट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मशाइबा, आज हमसे बात कर रही थी एक अहम दिन के मौके पे जब मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत को 70 साल मुकम्मल हो गए हैं। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो क्रिकेट की बात करेंगे, T20 पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज की बात करेंगे और श्रीलंका 8 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। टी
टी20 सीरीज जिसका दूसरा मैच इस वक्त अबूधाबी में खेला जा रहा है शेख जायद स्टेडियम में, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। इस वक्त तक की मैच की अपडेट्स भी आपके पास डेफिनेटली पहुंच रही होंगी, बल्कि आप में से बहुत से लोग तो मैच देख भी रहे होंगे। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज की तरह टी20 सीरीज का भी दबंग अंदाज किया है। पहला टी20 बहुत खूबसूरत तरीके से श्रीलंका के खिलाफ जीता है, और अगर आज दूसरा टी20 भी जीत लेता है तो 3 टी20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन इस श्रीलंका के साथ जो वनडे चल रहा था, जो टी20 चल रहा है, इसकी सबसे खूबसूरत, सबसे अहम तरीन, सबसे तारीखी बात यह है कि जब संडे को आज से एक दिन के बाद श्रीलंका की टीम खेल रही होगी कजाफी स्टेडियम में फाइनल मैच टी20 सीरीज का, तो वो तारीखी मोमेंट होगा। 8 साल के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम वहीं से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए एक नया संगे मील दे रही होगी, जहां से 8 साल पहले अफसोसनाक बात थी कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट रूठ गई थी, श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ था। लेकिन श्रीलंकन कौम के लिए, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के लिए, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तानी कौम बेहद मशकूर है कि उन्होंने इस श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आके खेली। उससे पहले आज न्यूज के जो रिपोर्टर हैं अकील अहमद, उनसे जान लेते हैं कि सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं, क्योंकि श्रीलंकन वफ भी सिक्योरिटी का पाकिस्तान आया था। जी अस्सलाम वालेकुम अकील, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बताइएगा कि जो श्रीलंकन सिक्योरिटी डेलीगेशन आया था वो कितना मुतमइन है सिक्योरिटी इंतजाम को लेके, और लाहौर में जोश खरोश कैसा है 29th के फाइनल को लेके? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक तारीखी लम्हा है पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अटैक हुआ था 2009 में 3 मार्च को, तो उसकी वजह से पाकिस्तान पर क्रिकेट के जो बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए थे। लेकिन उसके बाद पीसीबी ने काविशें की, पहले किनिया, फिर जिम्बाब्वे, फिर पीएसएल का फाइनल, और लास्ट मंथ जो है वो वर्ल्ड 11 की टीम आई थी यहाँ पर, और अब जो श्रीलंकन टीम है जिस पर अटैक हुआ था, और वही टीम जो है वो पाकिस्तान में और लाहौर में जहां पर अटैक हुआ था वहां पर आकर ये खेलने जा रही है टी20, जो कि 29 अक्टूबर को जिसका एक मैच होगा, 6 बजे शाम शुरू होगा। इस मैच के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं गरीदा, यहाँ पर 11,000 से जायद जो है पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे, और 4 लेयर्स में शायकीन को जो है सिक्योरिटी फराहम की जाएगी ताकि किसी किस्म का ना खुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इस हवाले से सिक्योरिटी के तो इंतजाम ज़बरदस्त हैं। जहां तक जोशो खरोश की बात है तो आवाम, जाहिर है जब क्रिकेट होती है तो बुखार क्रिकेट का जो है अरूज पर हो जाता है। पाकिस्तान में खास तौर पर क्रिकेट के दीवानों के जो है वो इस मैच का इंतजार कर रहे हैं, और वो गो के टिकटें महंगी हैं लेकिन वो खरीद रहे हैं। 500 की टिकटें तो नायाब हो गई हैं, लेकिन 1500 और 3000 की टिकटें जो है शायकीन खरीद रहे हैं, और उम्मीद यही है कि 29 अक्टूबर को जो मैच होगा वो हाउसफुल होगा, और वो जो शायकीन है वो क्रिकेट की बहाली को वेलकम करने आएंगे। जी गरीदा, बहुत बहुत शुक्रिया अकील अहमद, आज न्यूज के रिपोर्टर हमें अपडेट कर रहे थे कि सिक्योरिटी इंतजामात लाहौर में कैसे हैं फॉर द श्रीलंकन क्रिकेट टीम्स अपकमिंग विजिट, और लाहौरियों का जोश खरोश कैसा है इस हवाले से। 500 के टिकट सब खरीद चुके हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 1500 का या उससे महंगा खरीदना पड़ेगा। एनी हाउ, गोइंग बैक टू द गेस्ट, इस वक्त ज़का अशरफ, साबिक चेयरमैन पीसीबी, वो मेरे साथ मौजूद हैं, और फखरे आलम साहब जो कि खुद भी क्रिकेट के बड़े शहदाई हैं और काफी क्रिकेट की बहाली के लिए कोशिश भी करते रहते हैं, वो मेरा ख्याल है कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़का अशरफ साहब। ज़का अशरफ साहब अस्सलाम वालेकुम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ज़का अशरफ साहब की लाइन शायद ड्रॉप हो चुकी है। जी ज़का साहब को कॉल मिलाइएगा, एक्स चेयरमैन पीसीबी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़का साहब, ज़का अशरफ साहब से राबिता हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में बहाली के लिए एक बहुत बड़ा संगे मील है ये कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम 8 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ रही है। सिर्फ चंद घंटों का इंतजार है, उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम यहां पर होगी। बहुत से नाकेदीन इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि ज्यादा टॉप प्लेयर्स ने आने से इनकार कर दिया है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, लेकिन उसके बावजूद अहम बात यह है कि अगर उनके टॉप लेवल के कुछ प्लेयर्स नहीं भी आ रहे तो ज्यादा अहम बात यह है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने हामी भरी, एतमाद का इजहार किया पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर, पाकिस्तान के गवर्नमेंट पर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर।
PSL करवाया, छोटे छोटे स्टेप्स करके करवाया, देन वन एंड टू उसका एडिशन, देन वर्ल्ड इलेवन का यहाँ पर हुआ, अब ये श्रीलंकन क्रिकेट टीम यहाँ पर पाकिस्तान आकर खेलेगी, देन वेस्ट इंडीज का भी चांस है, तो ये बेबी स्टेप्स मतलब एक कम से कम एक बैरियर तो हटा है, खुला तो है। मेरा देखिए जी, मेरी गुजारिश है कि सेठी साहब से मेरे कुछ गुजारते इख्तलाफात तो नहीं है, असूली इख्तलाफात हैं, और अगर वो हैं तो वो पाकिस्तान के क्रिकेट और इस मुल्क की खातिर है, और अगर है तो वो उसी जगह स्टैंड करते हैं, लेकिन मैं कोई उनकी जात पे या उस पर अटैक नहीं कर रहा। मेरा तो सिर्फ गुजारिश ले रहा है, जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ कि ये गलतियां इनको ठीक करना चाहिए। आप अगर PSL अपना होम अपना उठा के आप जाके UAE में खेलेंगे, और उसके बाद जब इंटरनेशनल 11 आई है यहाँ खेल के गई है जो ICC ने भेजी थी, उसके बाद आपका जो अगली सीरीज है आपको, तो अगर आप उनको एक मैच के लिए ला रहे हैं तो श्रीलंका को आप सारे मैचेस के लिए यहाँ क्यों नहीं ला रहे? ठीक है जका साहब, इस पे आपसे मजीद बात भी करूंगी। मुझे फखर आलम ने ज्वाइन किया है। फखर, आप कितने एक्साइटेड हैं? जका साहब तो थोड़े बहुत रिजर्वेशंस रखते हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में एक बड़ा संगे मील होने जा रहा है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा। एक तो सबसे पहले मुबारकबाद आपको, आज टीवी पे देख के बहुत खुशी हुई। दूसरी बात यह है कि हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। जी जी, मैं सुन पा रहा हूं, मैं जवाब दिया आपको, आवाज आ रही है आपको मेरी गरीदा? आपको मेरी आवाज आ रही है जी? फखर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, आ रही है ना? तो वो पहले मैंने कहा कि सबसे पहले आपको मुबारकबाद दे दें आज टीवी ज्वाइन करने पे, और दूसरा ये कि हर पाकिस्तानी की तरह मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान वापस लौट कर आ रही है, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि ये श्रीलंका की ही टीम थी जिसके ऊपर हमला हुआ था लाहौर में, और यहीं से हमारी क्रिकेट का डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान को जो था सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा था, और अब श्रीलंका की टीम वापस आ रही है। शुरुआत है, वर्ल्ड इलेवन आई, PSL का एक मैच हुआ, फाइनल हुआ, तो ये अच्छे है कि आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो जा रहे हैं नॉर्मलसी की तरफ, और इसका असल जो क्रेडिट है वो मेरा ख्याल है अगर हमें देना चाहिए तो वो हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने तमाम उन कर्ता धरता को, कि जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है